अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बच्चों के लिए एक फ़्रॉक बनाएंगे जैकेट के साथ। और फ्रॉक हम बॉक्स प्लेट्स में बनाएंगे, स्लीवलेस फ्रॉक बनाएंगे, और जो जैकेट हम बनाएंगे उसकी स्लीव्स होंगी, फुल स्लीव्स। इस फैब्रिक से हम फ्रॉक बनाएंगे और ये साथ लाइनिंग का फैब्रिक है। और इस फैब्रिक से हम जैकेट बनाएंगे और इसके साथ भी हमने लाइनिंग यूज़ करेंगे। और ये हमारा तकरीबन पौना गज़ कपड़ा यूज़ होगा, पौना मीटर, और फ्रॉक के लिए हमारा सवा मीटर कपड़ा इस्तेमाल होगा। पहले हम फ्रॉक की कटिंग करते हैं। तो ये हमारा पूरा फैब्रिक है सवा मीटर, और इसकी चौड़ाई कपड़े की 40 इंचेस है। सबसे पहले हम स्कर्ट की कटिंग करेंगे। स्कर्ट की लंबाई हम 18 इंच लेंगे, 18 इंच सीम अलाउंस रखते हुए। तो 18 इंच पे मार्क करके यहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे, यानी फ्रंट और बैक के लिए है ये। और यहाँ से हम कट कर लेंगे। इसमें से हम बॉडीज निकालेंगे, और ये हमारा स्कर्ट का फैब्रिक है। फ्रंट और बैक को हम सेपरेट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का पीस है और ये हमारा बैक का पीस है। अब हम बॉक्स प्लीट्स बनाएंगे। इसके लिए बहुत आसान तरीका है, ये देखें। साइड से हम पहले आधा इंच मार्जिन के लिए रख लेंगे सीम अलाउंस, और यहाँ से आगे हमने 2.5 इंच पे मार्क करना है। हर 2.5 इंच पे हम मार्क करें, यानी 2.5 पे फिर 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5, 25, यानी हर मार्क हम 2.5 इंच के गैप से लगा रहे हैं। यहाँ तक हमने मार्क लगा लिया है। बिल्कुल इसी के सामने हमने दामन पर भी मार्क्स लगाने हैं। यहाँ पर देखें, एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा बच गया है हमारा, तो हम इस साइड से नहीं बल्कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हमने आधे इंच का मार्जिन रखा था। इधर भी आधे इंच का मार्जिन रखते हुए हम आगे 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे, यानी हमने जो उस साइड पे मार्क लगाया है बिल्कुल उनके सामने हमने मार्क लगाने हैं। तो हम यहाँ पर भी इस मार्जिन के आगे 2.5 इंच पे मार्क लगा रहे हैं। इससे हमें प्रेस करने में आसानी होगी। बॉक्स प्लीट्स ऊपर और नीचे हमें पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर आपस में मिलेंगे। तो ये देखिए, हमने ये मार्क लगा लिए हैं। अब हमने बॉक्स प्लीट्स बनानी है। एक प्लीट हम बाहर की तरफ निकालेंगे, जो साइड वाली होगी वो हमारी बाहर की तरफ आएगी। तो हम इस मार्क को उठाकर इस मार्क तक लेकर आएंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे। अब इस मार्क को हमने अगले मार्क से मिलाना है अंदर की तरफ, इस तरह, और यहाँ पर प्रेस करेंगे। इसी तरह हम ऑल्टरनेट डायरेक्शन में, यानी एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। सिंपली हमने मार्क्स लगाए हुए हैं, हम इनको आपस में मिलाएंगे और हमारी बॉक्स प्लेट्स बन जाएंगी इस तरह से। और हम यहाँ पे अच्छे से प्रेस करना है हमने साथ साथ, तो मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। पहली प्लीट बाहर की तरफ है, यहाँ पर हम प्रेस कर लेंगे। अगली प्लीट हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी अंदर की तरफ लेनी है, और मार्क्स हमारे लगे हुए हैं टॉप पर भी बॉटम पर भी। सिंपली हमने उन मार्क्स को आपस में मिलाना है, एक मार्क को उठा के दूसरे मार्क तक लेके जाना है। एक अंदर की तरफ प्लीट बनानी है और एक बाहर की तरफ, और साथ साथ प्रेस करते जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इजीली हमारी बॉक्स प्लीट्स बन गई हैं। अब हम यहाँ पर पिंस लगा लेंगे ताकि प्लीट्स अपनी जगह पर फिक्स हो जाएं, और हम मशीन से सिलाई लगाकर इनको पक्का कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारी पिंस लगा ली हैं। अब हम यहाँ पर सिलाई करके इनको फिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने मशीन से सिलाई लगा ली है। प्लीट्स के आपस में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ना ही फ्रंट राइट साइड पर, ना रॉन्ग साइड पर। और ये हमने बैक का पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लिया है। जो साइड पर हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था, यहाँ पर हम सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए बाकी कपड़ा ट्रिम कर लेंगे। अब हम राइट साइड्स को आपस में मिलाएंगे और साइड की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमने साइड की सिलाई लगा ली है। हमारी वेस्ट मेजरमेंट ये देखिए,
यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मार्जिन छोड़ते हुए। ये 12.5 है, यानी टोटल हमारी 25 इंच वेस्ट है। तो आपने अपनी वेस्ट के हिसाब से ही प्लीट्स डालनी है। बॉटम से हम दो बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और हमारा स्कर्ट इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। जो हमने फ्रंट और बैक को मिलाया है, तो ये देखिए ये प्लीट्स हमारी, यहाँ तक आपने सिलाई लगाकर नीडल को रोक लेना है, प्लीट्स को साइड पर करना है और फिर नीचे से सिलाई कंटिन्यू करनी है, ताकि ये प्लीट सिलाई के बीच में नहीं आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह दूसरी साइड पर भी, जब हमने फ्रंट और बैक को मिलाया था तो साइड की सिलाई लगाते हुए आपने एहतियात करनी है। अब हम लाइनिंग का पीस लेंगे। इसकी लंबाई हमने 2 इंच कम रखी है स्कर्ट से, यानी 16 इंच लंबाई है। इन दोनों पीसेस को हम आपस में जॉइन करेंगे और इसको प्लीट डाउन कर लेंगे अपनी वेस्ट मेजरमेंट तक, यानी हमारी वेस्ट मेजरमेंट 25 इंच है, तो हम यहाँ पर प्लीट्स डालेंगे और इसको 25 इंच तक ले आएंगे। ये देखिए हमने दोनों पीसेस को आपस में जॉइन किया और प्लीट डाउन भी कर लिया है। इसको मेजर कर लेते हैं साइड से मार्जिन छोड़ते हुए। ये 25 इंचेस है, जितनी हमारी वेस्ट मेजरमेंट है। अब हम, ये हमारी सिलाई है, जॉइंट है। इसी साइड पर हमने कैन का छोटा सा पीस लगाना है। इसकी लंबाई मैंने सिर्फ 6.5 इंच ली है और ये एक ही स्ट्रिप है, जितनी कैन की चौड़ाई थी उतनी ही ली है। और यहाँ सेंटर में हम यहाँ पर इसको बिल्कुल सीधा सीधा सिलाई कर लेंगे, कोई प्लीट वगैरह नहीं डालेंगे। तो ये देखिए हमने इसको सिलाई कर लिया है। अब हम ये सर आपस में मिलाएंगे राइट साइड और साइड की सिलाई लगा लेंगे और नीचे से दो बार फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने साइड की सिलाई भी लगा ली है, बॉटम से भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हमारी लाइनिंग का स्कर्ट भी कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसको स्कर्ट से अटैच नहीं करेंगे, अब हम बॉडीज़ बनाएंगे। बॉडीज़ के लिए मैंने ये दो पीसेस लिए हैं और इनकी लंबाई 11 इंच है और चौड़ाई 15 इंच है। हम इनको एक बार फिर फोल्ड करेंगे, यानी हमारे पास 4 लेयर्स हैं। अब हम सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे 5.5 पे। ये फ्रॉक मैं 5 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, आप अपनी मेजरमेंट्स अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। आर्म होल के लिए मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इन पॉइंट्स को एक्सटेंड कर लेंगे। यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे 6.5 पे। चेस्ट का हम चौथा हिस्सा लेते हैं और वेस्ट का भी हम चौथा हिस्सा मार्क करेंगे। मैं यहाँ 6.25 पे, यानी 6.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि हमारी वेस्ट 25 इंच है हमारे स्कर्ट में जो आ रही है, ठीक है। अब हमने यहाँ बैक आर्म होल की शेप देनी है कटिंग के मार्क से, और थोड़ी सी डीप हम फ्रंट आर्म होल के लिए शेप देंगे इस तरह से। नेक की चौड़ाई के लिए 2.5 पर और गहराई के लिए भी हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह गोलाई में मिला लेंगे। बैक नेक की गहराई के लिए हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह मिला लेंगे। अब हम कटिंग करेंगे। पहले बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब बैक का पार्ट हम सेपरेट कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक लाइन की कटिंग करेंगे। फ्रंट और बैक बॉडी की कटिंग हो गई है। बिल्कुल इसी पैटर्न पर अब हम लाइनिंग की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने फ्रंट के लिए और बैक के लिए लाइनिंग की कटिंग कर ली है बिल्कुल इसी शेप में। अब राइट साइड के ऊपर हम लाइनिंग रखेंगे और नेक लाइन और आर्म होल से हम स्टिच कर लेंगे। बैक नेक पे हमने एक सेंटर में स्लिट भी लगानी है, तो यहाँ से हमने सेंटर में भी एक 2 स्टिच लाइंस लगानी है, जिसको बीच में से हम बाद में कट कर लेंगे। इसी तरह फ्रंट नेक लाइन और फ्रंट आर्म होल से हम लाइनिंग अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने लाइनिंग अटैच कर ली है। यहाँ पे हम छोटे छोटे से नॉचेस लगाएंगे। मैंने अभी बैक में स्लिट नहीं लगाई थी, मैंने बाद में लगाई थी। आपने इस पॉइंट पर बैक पे स्लिट लगा लेनी है ताकि अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। अब हम एक पीस को सीधा कर लेंगे और अच्छे से यहाँ से हम प्रेस कर लेंगे। ये देखिए प्रेस करने के बाद इसको हमने सीधा कर लिया है। दूसरे पीस को भी सीधा नहीं करना, इसको मैं ऐसे अंदर इंसर्ट करेंगे कि लाइनिंग लाइनिंग से मैच करे और मेन फैब्रिक से मैच करे। शोल्डर्स इस तरह से मिलाएंगे और शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे।
यहाँ पे शोल्डर स्लोप देते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे शोल्डर के लिए भी। ये देखिए हमने शोल्डर्स अटैच कर लिए हैं, अब हम बैक बॉडीज़ को ऐसे बाहर खींचेंगे और हमारे शोल्डर्स की फिनिशिंग हो गई है। राइट साइड से भी ये देखिए और रॉन्ग साइड से भी अच्छे से फिनिशिंग हो गई है बहुत आसानी से। अब हम इस पीस पे भी अच्छे से प्रेस कर लेंगे और सारी सिलाई अच्छे से बिठा लेंगे। तो ये देखिए प्रेस करने के बाद इस तरह से ये लुक आएगी। अब हम राइट साइड आपस में मिलाएंगे और साइड की सिलाई लगाएंगे। इसके लिए देखें ऐसे ओपन करें, मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक से मिलाना है, लाइनिंग को लाइनिंग से मिलाना है और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने साइड्स की सिलाई लगा ली है और ये इस तरह से इसकी फिनिशिंग आई है सीधा करने पर। ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगाई थी और इसके बाद हमारी रॉन्ग साइड से भी ये देखिए इतनी अच्छे से फिनिशिंग है और राइट साइड पर भी। तो इस तरह से हमारी बॉडीज़ कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसको स्कर्ट से अटैच करना है। बॉडीज़ को हम सीधा कर लेंगे और ये देखिए मैंने यहाँ पे पिन्स लगा ली हैं ताकि लाइनिंग और मेन फैब्रिक अच्छे से आपस में मिल जाए। और स्कर्ट को हमने उल्टा कर लेना है इस तरह से, बॉडीज़ को सीधा रखना है। अब हम इसको स्कर्ट के अंदर यहाँ से डालेंगे, वेस्ट को आपस में मिलाएंगे, साइड की सिलाई स्कर्ट की साइड की सिलाई से मिलाएंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने वेस्ट से सिलाई लगा ली है। अब हमारा फ्रॉक जो यहाँ तक रेडी है। अब हमने जो लाइनिंग बनाई थी स्कर्ट के लिए उसको अटैच करना है। इसके लिए देखें बॉडीज़ को हमने ऐसे उल्टा करना है, वेस्ट को पकड़ के इस तरह से बॉडीज़ को उल्टा करें, इस तरह से वेस्ट हमारे सामने आ जाए। अब हम लाइनिंग वाला स्कर्ट लेंगे और ये उल्टा हमारे सामने है, यानी कैन वाला हिस्सा हमारे सामने है। अब हम फ्रॉक को अंदर डाल लेंगे यहाँ से और वेस्ट को आपस में मिलाकर यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है। अब जब हम सीधा करेंगे फ्रॉक को तो ये देखिए रॉन्ग साइड से हमारी इतने अच्छे से फिनिशिंग आई है, कोई भी सिलाई सामने नज़र नहीं आ रही। और इसी तरह से राइट साइड पर भी हमारी अच्छे से फिनिशिंग हो गई है। हम फ्रॉक को सीधा करेंगे और हमारा ये फ्रॉक बिल्कुल तैयार है बॉक्स प्लीट्स के साथ। और ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसकी फिनिशिंग आई है और इतनी अच्छे से लुक आई है इसकी। और जो बैक स्लिट मैंने आपसे कहा था वो मुझे इस पॉइंट पर आकर याद आया कि मैंने बैक स्लिट नहीं लगाई, तो मैंने यहाँ पर इसकी बैक स्लिट बना ली थी। आपने जब नेकलाइन की फिनिशिंग करनी है यानी जब लाइनिंग को अटैच करना है उस वक्त बैक स्लिट लगाकर और ये बना लेनी है, ठीक है। तो मैंने अब इसको स्लिट बना ली है और यहाँ पर हमने हुक्स लगा ली हैं इस तरह से। तो अब हमारा फ्रॉक जो है वो कंप्लीट हो गया है। पहले आपने भूलना नहीं है वरना यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। जैकेट के लिए देखिए हमने ये 1.25 मीटर कपड़ा है और इसकी भी चौड़ाई 40 इंची है जैसे हमारे दूसरे फैब्रिक की थी। लंबाई के लिए हमने 12 इंच पे मार करना है, यानी हमने 1 इंच इसको लंबा रखना है फ्रॉक के बॉडी से। तो ये मैंने 12 इंच पे मार किया है, हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये हमारा बॉडीज़ के लिए फैब्रिक है और इसमें से हम स्लीव्स बनाएंगे। अभी हम इसको साइड पे रख लेते हैं। बॉडीज़ के लिए हमने चौड़ाई 16 इंच लेनी है, यानी हम यहाँ से 32 इंच देखेंगे और यहाँ तक फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो 16 इंच फ्रंट और 16 इंच बैक के लिए, यानी हम इसको 1 इंच बढ़ा ले रहे हैं, थोड़ा सा हम खुला बनाएंगे फ्रॉक के निस्बत। तो ये देखिए 16 इंच है ऑन फोल्ड, एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट लेंगे, फ्रंट और बैक को सेपरेट कर लेंगे और अब हम एक बार फिर फोल्ड करेंगे। हमारे पास 4 लेयर्स आ जाएंगी। अब हम मार्किंग करेंगे। शोल्डर के लिए मैं यहाँ पर 1.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं वाइड ले रही हूँ। हमने कॉलर भी अटैच करना है और जैकेट की मेजरमेंट में 0.25 इंच बढ़ा के लूँगी। आर्म होल की लंबाई हम उतनी ही रखेंगे 6 इंच।
इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे इस तरह। चेस्ट के लिए भी हम 0.25 इंच बढ़ा के लेंगे, यानी मैं 0.75 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और वेस्ट के लिए बॉडीज़ में हमने 1.25 इंच पे मार्क किया था, यहाँ हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे, 0.25 बढ़ा के लेंगे। कटिंग के मार्क से हम बैक आर्म होल की शेप देंगे, हल्की सी गोलाई इस तरह से, और फ्रंट के लिए थोड़ा सा गहरा मार्क करेंगे। नेक की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच और गहराई के लिए भी हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, और नेक की शेप में हम गोलाई में मिला देंगे। बैक में हम 1 इंच की कटिंग नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ट्रिम करेंगे इस तरह से, और बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। बैक का पार्ट सेपरेट करके फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक लाइन की कटिंग करेंगे, और फ्रंट को हम सेंटर से 2 पीस में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने हल्की सी शेप देनी है, इस तरह से थोड़ा सा तिरछा कट करेंगे ताकि हमारी जैकेट ओपन रहे, बस थोड़ी सी इस तरह। अब हमने इसी पैटर्न पर लाइनिंग की भी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमने लाइनिंग की कटिंग कर ली है, बैक के लिए भी और फ्रंट के दोनों पीसेस के लिए भी। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये बाकी फैब्रिक को मैंने इस तरह फोल्ड किया है, एक बार फिर फोल्ड करेंगे। जो कपड़ा साइड पर है इसमें से हम कॉलर की कटिंग करेंगे, और ये हमारा स्लीव्स का फैब्रिक है 4 लेयर्स में। लंबाई के लिए हम 15 इंच चाहिए, 1 इंच फोल्डिंग का रखते हुए हम 16 इंच पे मार्क करेंगे। इसकी चौड़ाई 7 इंच रखी है हमने, यहाँ पर हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और आर्म होल की शेप देंगे। नीचे से चौड़ाई के लिए हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए हम थोड़ा सा गहरी कटिंग करेंगे। इसी पैटर्न पर हमने लाइनिंग की भी कटिंग कर लेनी है, और फ्रंट आर्म होल की साइड को हमने मार्क कर लिया है। ये देखिए लाइनिंग की भी कटिंग कर ली है, और यही निशान हमने फ्रंट आर्म होल की साइड पर लाइनिंग में भी लगा लिया है। अब हम लाइनिंग के पीसेस को सेपरेट कर लेंगे और मेन फैब्रिक को अलग कर लेंगे, स्लीव्स के भी और बॉडीज़ के भी इस तरह से। अब मेन फैब्रिक में बैक बॉडीज़ के ऊपर फ्रंट बॉडीज़ रखेंगे राइट साइड मिलाकर, और शोल्डर से अटैच कर लेंगे। इसी तरह से लाइनिंग के पीसेस को भी बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट रखेंगे और शोल्डर से अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं लाइनिंग के भी और मेन फैब्रिक के भी। अब हम इस तरह ओपन करेंगे और स्लीव्स अटैच करेंगे। ये फ्रंट आर्म होल है, ये फ्रंट साइड पर आएगा इस तरह। इसी तरह ये फ्रंट का मार्क हमने लगाया हुआ है, ये फ्रंट साइड पर आना चाहिए। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे आर्म होल से। पहले हम स्लीव को ऐसे फोल्ड करके इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। स्लीव का ये सेंटर हमारे शोल्डर से अटैच होना है, इसलिए इसको यहाँ पर अटैच करना है, और बाकी आर्म होल की हम स्टिचिंग कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी स्लीव का भी हम सेंटर मार्क करेंगे, और इसको हमने शोल्डर से मिलाना है, और इस तरह से पूरी स्लीव को अटैच कर लेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से हमने लाइनिंग की स्लीव्स को भी लाइनिंग की बॉडी से अटैच करना है। ये हमने मार्क किया हुआ है, ये फ्रंट में आएगा। इसी तरह दूसरी स्लीव में भी हमने फ्रंट आर्म होल को मार्क किया हुआ है, ये फ्रंट में आएगा। और इसी तरह से सेंटर भी बना लेना है, और सेंटर को शोल्डर से मिलाना है और अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने मेन फैब्रिक में स्लीव्स अटैच कर ली हैं आर्म होल से इस तरह, और लाइनिंग में भी हमने स्लीव्स अटैच कर ली हैं। लेकिन अभी हम इनको आपस में नहीं मिलाएंगे, अभी हम लाइनिंग यहाँ तक स्टिच कर ली है, अभी हम इसको साइड पर रखेंगे। अब हमने यहाँ पर कॉलर अटैच करना है। आप जैकेट कॉलर के बगैर भी बना सकते हैं, और अगर कॉलर अटैच करना हो तो इस तरह से हम नेक लाइन को मिलाएंगे, और हम लेंथ चेक करेंगे कि हमें कितना लॉन्ग कॉलर चाहिए।
फ्रंट पे आधा इंच का मार्जिन और आधा इंच हमने कॉलर को पीछे लगाना है। मैं यहाँ पर तकरीबन सवा इंच छोड़ते हुए आगे से लेंथ चेक करूँगी, तो ये तकरीबन 6 इंच है ऑन फोल्ड, यानी हमें 12 इंच लॉन्ग कॉलर चाहिए। तो ये देखिए, फ्रॉक के फैब्रिक में से मेरे पास ये पीस बचा है और इसकी लंबाई 11 इंच है। हम इसको फोल्ड करके दो पीस कर लेंगे, क्योंकि हमें 12 इंच लॉन्ग कॉलर चाहिए और 1 इंच का हमें सीम अलाउंस भी रखना है। हम इन दोनों पीसेस को मिलाकर लॉन्ग स्ट्रिप बना लेंगे। यहाँ से हम जॉइंट लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने जॉइंट लगा लिया है और 13 इंच लॉन्ग स्ट्रिप काट ली है और इसकी चौड़ाई 4.5 इंच है। जितनी चौड़ाई थी मैंने उतनी ही रखी है। जैकेट के फैब्रिक में से भी हमने एक पीस कट किया है और इसकी हमने चौड़ाई 11 इंच ली है, यानी 2 इंच कम रखा है हमने इसको मेन कॉलर से, और इसकी चौड़ाई 4.25 इंच है, यानी हमारा जो कॉलर है 4.5 इंच है, तो ये हमने 1 इंच कम रखा है। अब हम इसको तीनों साइड से एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको यहाँ इसके ऊपर रखेंगे सेंटर में, और यहाँ पर देखें साइड से ये 1-1 इंच कम है, हमने यहाँ पर इसको अटैच कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। कॉलर में हम थोड़ी सी शेप देंगे, क्योंकि मैं यहाँ से इतना चौड़ा नहीं रखूँगी। वैसे हम यहाँ पर इसको और भी ज़्यादा चौड़ा रखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं ले रही हूँ। मैंने यहाँ ऊपर हल्की सी इस तरह से शेप दी है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कॉलर की शेप दे सकते हैं। नॉर्मली हम सिंपल कॉलर में कुछ इस तरह शेप रखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर यह शेप नहीं दी है, क्योंकि मुझे इतना चौड़ा कॉलर वहाँ से नहीं चाहिए। इसी पैटर्न पर हमने ये पेपर पेस्टिंग की भी कटिंग की है। ये देखिए, इसको रॉन्ग साइड पर हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। नीचे से हमने आधा इंच मार्जिन का छोड़ते हुए हमने इसको कट किया है और हमने इसको प्रेस करके पेस्ट कर लिया है, और लाइनिंग की कटिंग हमने बिल्कुल इसके बराबर की है। अब हम यहाँ पर तीन साइड से यहाँ से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने लाइनिंग को भी अटैच कर लिया है। इसको सीधा करने से पहले हम यहाँ पर इस तरह से तिरछा कट लगाएंगे, इससे हमारे कोना जो है वो अच्छा बनेगा, और छोटे छोटे से नॉचेस लगा लेंगे। यहाँ पे आप ट्रिम भी कर सकते हैं थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए। अब हम इसको सीधा करेंगे, तो हमारे कॉलर की नोक अच्छे से बन जाएगी। इसको हम यहाँ पे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद अब हम ये कॉलर अटैच करेंगे नेकलाइन से। तो सिंपली राइट साइड के ऊपर पहले हम यहाँ 1/4 इंच पे मार्क लगा लेंगे, जहाँ से हमने कॉलर को अटैच करना स्टार्ट करना है, और दूसरी तरफ भी जहाँ तक हमने कॉलर एंड करना है 1/4 इंच पे मार्क लगाएंगे। और सिंपली राइट साइड के ऊपर इस मार्क से हमने स्टार्ट करना है और यहाँ तक एंड कर लेना है। इस तरह से हमने कॉलर रखना है राइट साइड के ऊपर। कॉलर का भी राइट साइड हमारे सामने है, और यहाँ तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये इस तरह से हमने स्टिच करना है। ये देखिए, कॉलर मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है, इस तरह से अटैच हो गया है। अब हम लाइनिंग को अटैच करेंगे। तो हमने लाइनिंग बिल्कुल इसी शेप में स्टिच की हुई है, राइट साइड आपस में मिलाएंगे, लाइनिंग की रॉन्ग साइड हमारी तरफ है। अब हमने सेंटर फ्रंट से यहाँ से हमने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। सेंटर फ्रंट को भी हमने स्टिच करना है और नेक लाइन से हमने स्टिचिंग करनी है। कॉलर हम इसी तरह जिस तरह से हमने अटैच किए वहीं पे रखेंगे, और यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। यानी हमने बॉटम से स्टिचिंग स्टार्ट करनी है नेक लाइन से, और दूसरी साइड पर सेंटर फ्रंट में हमने अटैच कर लेना है लाइनिंग को। तो ये देखिए, हमने ये स्टिच कर लिया है, नेक लाइन से भी हमने अटैच कर ली है लाइनिंग और सेंटर फ्रंट से भी। अब हम स्लीव्स के दामन से लाइनिंग अटैच करेंगे। तो ये देखिए, हम लाइनिंग यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और लाइनिंग यहाँ से अटैच करेंगे। तो ये देखिए, स्लीव के दामन पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे छोटे छोटे से नॉचेस लगाने के बाद, ताकि यहाँ से अच्छी फिनिशिंग आए, स्पेशली शोल्डर पर, नेक लाइन पर छोटे छोटे से कट लगाएंगे। सिलाई कटनी नहीं चाहिए, बाकी आप जितना भी कट लगा सकें लगा लें। अब हम इसको सीधा करेंगे।
तो ये देखिए सीधा करने के बाद हमारा कॉलर इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग हो गई है, राइट साइड से भी, रॉन्ग साइड से भी। यहाँ पे हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि कुछ लाइनिंग अपनी जगह पर बैठ जाए, सेंटर फ्रंट से और यहाँ से भी प्रेस हमने कर लिया है। अब हमने साइड्स आपस में मिलानी है, तो ये देखिए इस तरह से मेन फैब्रिक को उठाएं, फ्रंट बॉडीज़ बैक बॉडीज़ आपस में मिलाएं, ये साइड की सिलाई हो जाएगी। यहीं से कंटिन्यू करना है स्लीव की साइड की सिलाई, यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लाइनिंग की स्लीव की सिलाई और लाइनिंग साइड की सिलाई। तो इस तरह एक ही सिलाई में हम लाइनिंग और ये मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें ये इस तरह से साइड की और स्लीव की, और इस तरह से ये कंटिन्यू हो रहा है लाइनिंग में भी। दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह से मेन फैब्रिक और इस तरह से स्लीव की साइड की सिलाई लगा ली है। इसको सीधा करने के लिए एक ट्रिक है, ये आप देख लें गौर से। पहले आपने लाइनिंग की जो बाजू है इसके अंदर हाथ डालें और इसको सीधा निकालें। अब मेन फैब्रिक की बाजू के हाथ डालें और इसको सीधा कर लें। इस तरह से ये इजीली सीधा हो जाएगा, वरना आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। पहले लाइनिंग के बाजू में हाथ डालें, इसको सीधा करें। अब मेन फैब्रिक के बाजू में हाथ डालें और इसको सीधा कर लें। तो इस तरह से ये सीधा हो जाएगा और ये देखें कितने अच्छे से फिनिशिंग आई है हमारी, अंदर और बाहर दोनों साइड से देखें कोई भी सिलाई विजिबल नहीं है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ गई, सिर्फ हमारी बॉटम की सिलाई रह गई है। इसके लिए देखें इस तरह से स्लीव को ऐसे बंद करें, राइट साइड्स को इस तरह ओपन करें, राइट साइड्स को आपस में मिलाना है, बॉटम की राइट साइड्स को, बाकी सारा जैकेट आपने इस तरह सेंटर में समेट लें और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। सेंटर में हमने थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देना है ताकि हम दोबारा से जैकेट को सीधा कर सकें। तो ये देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है इस तरह से, और ये इतना हिस्सा मैंने अनस्टिच रहने दिया है। और यहाँ से हम थोड़ा सा हिस्सा पकड़ के और आराम आराम से पूरी जैकेट को सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए जैकेट को हमने सीधा कर लिया है। यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं इनके बनाने के लिए हम नीडल की बैक साइड यूज़ कर सकते हैं, या आप ये सीम पकड़ यूज़ कर लें। और अब हमारा ये देखें नीचे से भी हमारी अच्छे से फिनिशिंग हो गई है, कोई भी सिलाई हमारी विजिबल नहीं है। सिर्फ हमने ये जो इतना हिस्सा अनस्टिच छोड़ा था इसको अब हम नीडल थ्रेड से स्टिच कर लेंगे इतने हिस्से को, और हमारी जैकेट भी कंप्लीट हो गई है। और हमारी राइट और रॉन्ग दोनों साइड्स पर बहुत अच्छे से फिनिशिंग आई है। यहाँ पर हम हुक अटैच कर लेंगे, अगर कॉलर बंद रखना चाहें तो यहाँ पे हुक अटैच करें, और अगर आप कॉलर ओपन रखना चाहें तो बॉडीज़ के सेंटर में भी हम हुक अटैच कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ये इस ड्रेस की फाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।